वहीं प्रदेश में भी खेल दिवस के मौके पर अनेक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित अन्य जगहों पर एक दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने रैली निकाली और विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। रैली में खिलाड़ियों के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। रैली के दौरान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम ने मेजर ध्यानचंद के योगदान को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ी तो हैं, लेकिन खेल सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुर्ग में भी एस्ट्रोटर्फ की बेहद जरूरत है। होती है या एस्ट्रोटर्फ सब जगह होना चाहिए। हमारे यहाँ 2-3 जगह एस्ट्रोटर्फ है। दुर्ग में भी एक टर्फ होना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ यहाँ से तो एक भी टर्फ नहीं है। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि दुर्ग में भी एक टर्फ होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों की कमी नहीं है, उनको ग्राउंड और बेसिक चीज़ की ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है मिलना। वहीं दुर्ग जिला हॉकी संघ के उपाध्यक्ष शेख नियाज ने बताया कि विगत कई वर्षों से खेल दिवस के अवसर पर हॉकी संघ लगातार खेलों का आयोजन करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले से हॉकी में अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। वर्तमान में जिला हॉकी संघ अभी अपने हॉकी ग्राउंड को संरक्षित करने के लिए, इसमें बेहतर सुविधा के लिए, ताकि हमारे बच्चे हॉकी खिलाड़ी इस देश का नाम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रदर्शन करके रोशन कर सके। इस दौरान हॉकी के अलावा खो खो, कबड्डी, कुर्सी दौड़ सहित अनेक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खेलों के समापन के बाद विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इधर जांजगीर में भी खेल दिवस पर हॉकी मैदान से रैली निकाली गई। इस अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद एसडीएम ममता यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों में सकारात्मक का संचार करते हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। खेल दिवस पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया खेल विभाग की तरफ से, जिसमें 32 विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेलों के प्रति खिलाड़ियों और प्रतिभागियों के मन में जागरूकता पैदा करना, और हमारे लिए भी एक प्रकार का ये एक प्रेरणा है कि हमें खेल विभाग को इस दिशा में और काम करना है। इस अवसर पर जिले के खिलाड़ी और कोच मौजूद थे।